अभी क्या हुआ? सौरभ जी को फोन में बात की और ताई जी क्या हुआ बताइए। भैया आ रहा है, झमकी रखे है तो आज हम सोच रहे हैं कि अभी लेट घूम के आ जाते हैं। लेट क्या जल्दी? आज मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा, सुबह सुबह ठंडक लगी है। सो गाइस अभी सब जने आ रखे हैं प्लॉट पे, चलते हैं थोड़ा ऊपर घूम के आते हैं। हाँ इतनी जगह है, नीचे ओ है अभी वहाँ बड़ा यूँ है कुकरिया कुत्ता ये मछली खड़ा के बारह मछली मच्छर रे कैस मच्छर की मच्छर की गैंग पीछे पड़ गई। मतलब देख लेते हैं कि मतलब कितनी लाइटिंग है यहाँ, लाइटिंग तो बनी है बहुत है। लाइटिंग देखो थोड़ी बहुत लाइट लगा देंगे कुछ रोशनी आ जाएगी, नीचे क्या है वो भी बहुत बढ़िया आ जाएगा। सब जने ऊपर तो काफी रोशनी है, इधर से यहाँ यहाँ चौक तक तो काफी रोशनी आती है और इस कमरे में भी फुल रोशनी है। वाह वाह फाइनली वी आर इन आवर स्टूडियो है, स्टूडियो में क्या है ये, वाह क्या सीन। यहाँ का मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगी कि देखो भाई रोशनी पूरी आ रही है तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। जैसे उठे यहाँ बाहर देख सकते हैं, सीन अच्छा है तो पॉजिटिव वाइब्स आ सकती है। हाँ ये मेरा बिस्तर है और ये लैट्रिन है। बात ऐसी करती है नॉनसेंस। ये यहाँ पर हमने फ्रेश होने का बना दिया है गाइस, ये देखिए यहाँ फ्रेश हो सकते हैं। ये मम्मी और इनकी बातें चल रही है, इधर सब जी की बातें चल रही है, बस अब घर पहुँचने वाले घर चलते हैं और खाना यही आ रहेंगे, घर चलते हैं और वो ठंडा वगैरह खाएंगे। तो गए सौरभ जी हमने जा चुके हैं, डैडी वगैरह सब छोड़ने गए थे, उस समय ब्लॉग ही नहीं बना, खाना खाने के बाद तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया, अभी तक ब्लॉग ही नहीं बनाया, दो में बंद होकर इसलिए नहीं बनाया, सब इमोशनल हो गए थे, मेरा मन नहीं कर रहा था ना क्या बनाए क्या नहीं बनाए। तो रिजमा जी और जिनो जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको कैसा लगा तब सौरभ जी जा रहे थे? कुछ नहीं बोल सकता। जिनो जी तो राम जी जी जिंदगी तो की कौन करते। तो गाइस एक सबसे अच्छी बात हुई है, आके अगला दिन अभी शाम तक सुबह से ब्लॉग बनाया नहीं, अभी क्या हुआ सौरभ जी फोन में बात की और ताई जी क्या हुआ बताइए। भैया आ रहा है और वो फाइनली आ रहा है, कल संडे है ना तो इसलिए वो भी आ रहा है, वो उसका फ्रेंड भी यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी चल लेता हूँ। तो रिधिमा जी आपको कैसा लग रहा है? रिधिमा जी बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं तो बाहर गया था वहाँ आया अंदर, रिधिमा ने मेरे को बताया मैं आपको मजा आएगा। चिन्ह आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। वैसे तो वो गया था तो भी इसको कोई फर्क पड़ा नहीं था, वैसे भी तो आ रहा था तेरे को क्या फर्क पड़ा? देखो यहाँ पे अकेले अकेले आर्ट कर रही है, मुझे नहीं बुलाया इसमें आर्ट करने के लिए। तो गाइस अभी सौरभ जी तो आ चुके हैं पर क्या है कि अभी मैंने ज़्यादा हमने खुद कहा नहीं क्योंकि दादा वगैरह सब बैठे थे इसलिए अच्छे से ब्लॉग नहीं बने मैंने, मगर थोड़ी देर रुकते हैं खाना वाला खा लेते हैं फिर मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, जोरदार मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, अभी मैंने खुशी अंदर दुब दुब चपक के रखी है अंदर, थोड़ी देर रुकते हैं थोड़ा इंतजार करो आप लोग भी। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइस अभी तक तो मैं आप लोगों को सौरभ जी से नहीं मिल पाया, बातचीत ज़्यादा हुई नहीं ठीक है, तो अब शाम का समय कल ही वापस रवाना हो जाएंगे ठीक है, हफ्ते भर से वापस आएंगे तो सौरभ जी आइए। तो भाई सौरभ जी तो आपको कैसा लग रहा है? सौरभ जी पूछना चाहूँगा मतलब वहाँ जा रहे हैं आप पढ़ने के लिए, एक तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि इनका बहुत पहले से सपना था, इन्होंने उसके लिए मेहनत की है कि भाई इनको जाना था, तो वहाँ पर आपका अभी क्या एक दिन आप रहे वहाँ पर तो क्या एक्सपीरियंस है? बस वही है यार, थोड़ा फैमिली से दूर जाते हैं तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है यार, लेकिन अब धीमे धीमे वहाँ की हैबिट लगानी पड़ेगी। हाँ तो थोड़ा वो एकदम लगता है फिर धीमे धीमे रहेंगे, तब अभी हफ्ते भर दो हफ्ते तक तो ऐसा आते रहेंगे, फिर धीमे धीमे आदत हो जाएगी तब तो फिर वहीं रहेंगे, कभी दो हफ्ते बाद कभी पढ़ेंगे तो फिर आ नहीं पाएंगे, वो वाली बात है क्योंकि पढ़े जरूरी है ना, सपना काम पूरा हो रहा फिर क्या चाहिए अपन को, तो अच्छे से मेहनत कीजिए, मेरे और मेरे सब्सक्राइबर फैमिली की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक।